आज मैं बनाऊंगी एक बहुत ही डिफरेंट सिंपल और टेस्टी डिश जिसका नाम है ताहिरी। ये चावलों में बहुत सारी सब्जियां डाल के बनाई जाती है और ये बहुत ही लाजवाब बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से अपनी डिश बनाना। तो ताहिरी यानी तहरी बनाने के लिए मैंने एक भारी तले का बर्तन ले लिया है और उसमें मैंने 3 टेबलस्पून तेल डालकर उसे गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं ये जीरा डाल दूंगी। जीरा डालने के बाद हम इसमें कुछ दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें ये लौंग चली जाएगी और इसको बहुत ही अच्छी खुशबू देने के लिए इसमें हम ये छोटी इलायची डाल देंगे। छोटी इलायची को मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है और उसके बाद इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी काली मिर्च। अब इन मसालों को 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें हम लंबी कटी हुई प्याज डाल देंगे। अब गैस को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखना है और इन प्याज को हम साथ साथ चलाते हुए भूनेंगे। और प्याज के साथ ही इसमें मैं 2 से 3 हरी मिर्च और हरी लाल मिर्च डाल दूंगी। प्याज को मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें हल्का सा गोल्डन करना है, इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। प्याज फ्राई हो चुका है और मसालों में से भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसके साथ ही इसमें हम आलू डाल देंगे। ताहिरी में हमें बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़ों में कोई भी सब्जी नहीं काटनी है। आलू के साथ ही इसमें हम ये बीन्स भी डाल देंगे। बीन्स को भी मैंने थोड़ा सा बड़े टुकड़ों में ही काटा है। अब बीन्स डालने के बाद इसमें हम गाजर भी डाल देंगे। गाजर को भी मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। आलू, गाजर और बीन्स डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये मैंने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें डालना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने से हमारे ताहिरी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मैंने प्याज के साथ नहीं डाला है, इसको मैंने सारी सब्जियां डालने के बाद ही डालना है। अब हम गैस को थोड़ा धीरे कर देंगे और इन सब्जियों को ढककर हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। आलू, गाजर और बीन्स को मैंने 2 मिनट तक ढककर पका लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे गोभी और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे मटर। अब हमने ये सब्जी बाद में क्यों डाली है, क्योंकि गाजर, बीन्स और आलू को पकने में टाइम लगता है और ये सब्जियाँ थोड़ी जल्दी पक जाती है, इसलिए मैंने इन्हें बाद में डाला है। हमें इन सब्जियों को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, क्योंकि ताहिरी में हमें थोड़ी सी सब्जियाँ खड़ी खड़ी ही अच्छी लगती है, इन्हें बहुत ज़्यादा मैशी नहीं बनाना है। इसके साथ ही इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। इसमें मैंने 1/2 छोटी चम्मच हल्दी डाल दी है और इसके साथ ही अब जाएगा स्वाद अनुसार नमक। मैंने 1 छोटी चम्मच नमक इसमें ऐड किया है, आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इन सब्जियों को हम 2 मिनट तक फिर पकाएंगे। सब्जियों को मैंने अच्छे से भून लिया है तो हमें इन्हें बिल्कुल पकाना नहीं है, क्योंकि ये चावलों के साथ भी पकेगी। तो मैंने ये 1 बाउल चावल लिए हैं और उन्हें मैंने 10 मिनट के लिए धोकर भिगोकर रख दिया था। हमें चावल को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भिगोना है, नहीं तो हमारे चावल टूट जाएंगे और हमें ये चावल साबुत और खिले खिले रखने हैं। तो अब हम इसमें ये अपने चावल भी डाल देंगे। चावलों को हमें सिर्फ 10 मिनट तक भिगोना है, इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं भिगोना है, क्योंकि हमें ये चावल और सारी सब्जियाँ खिली खिली चाहिए, तभी तो हमारी ताहिरी अच्छी बनेगी ना। इसे हमेशा धीमी आंच पे ही पकाया जाता है। ये बिरयानी से बिल्कुल अलग है। बिरयानी में हम सब्जियों की काफ़ी सारी लेयर लगाते हैं, लेकिन इसमें हमने चावलों के साथ ही सारी सब्जियाँ भी डाल दी हैं। वैसे बिरयानी में हम केसर भी डालते हैं, लेकिन हमें इसमें सिर्फ हल्दी का ही रंग देना है, तो इसमें हम केसर भी यूज़ नहीं करेंगे। ये जितने सिंपल तरीके से बनेगी उतनी ही अच्छी बनेगी। ताहिरी का मतलब ना तो बिरयानी है ना पुलाव है, ये एक अलग और बहुत ही सिंपल सी डिश है और इतनी आसानी से बन भी जाती है। ये सब्जियों में चावल डालने के बाद मैंने गैस को मीडियम टू लो कर दिया है और इन चावलों को भी मैं इन सब्जियों और मसाले के साथ अच्छे से इनको फ्राई होने दूंगी, ताकि हमारे चावलों में भी मसाला अच्छे से रच बस जाए। तो अब मैं इसे ऐसे ही बीच बीच में चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक इसे पकाऊंगी। चावल को हमने सब्जियों के साथ 2 मिनट तक भून लिया है और हमारे चावल और सब्जियां ये मसाले में कितने अच्छे से भून गए हैं ये देखिए। अब इस ताहिरी में हम पानी डाल देंगे। मैंने 1 बाउल चावल लिए थे और मैं 1.25 बाउल इसमें पानी डाल रही हूँ, यानी कि हमें डबल से थोड़ा सा कम पानी इसमें डालना है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे मिक्स करने के बाद इसे ढककर मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको रख दूंगी और लो फ्लेम पर चाहे इसमें 5 मिनट लगे बनने में, चाहे 10 मिनट तक, इसे मैं लो फ्लेम पर ही पकाऊंगी। ताहिरी की यही पहचान है कि उसे हम जितनी धीमी आंच पर पकाएंगे हमारी ताहिरी उतनी ही अच्छी बनेगी। हमारी डिश बनकर तैयार है।
और ये कितने अच्छे से हमारे चावल भी फूल गए हैं और हमारी सब्जी अभी सारी कुक हो गई है। इसे हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकाया है। इसे पकाने में हमारे 10 से 15 मिनट के बीच का टाइम लगा है। अब मैं गैस को कर दूंगी बंद और चावलों को ढककर 10 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे ताकि हमारे चावलों का एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला बने।